हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मुद्गल बाबा में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि फरवरी में 28 दिन क्यों होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पास एक साल में 365 दिन 12 महीने होते हैं और फिर भी फरवरी में 28 दिन ही होते हैं, ऐसा क्यों? चलिए इसको और बेहतर से समझने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब है कि हम 365 दिनों को इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं जिससे हमें एक नॉर्मल ईयर में 5 महीने 31 दिन के और 7 महीने 30 दिन के मिल सकते हैं, और लीप ईयर के केस में 6 महीने 30 दिन के और 6 महीने 31 दिन के। आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा ज़्यादा सिंपल होता? सो फरवरी को 28 दिन कैसे मिले, ये जानने के लिए थोड़ा सा कैलेंडर्स की हिस्ट्री में देखते हैं। शुरुआत में यानी कि 738 बिफोर क्राइस्ट के अराउंड रोम को उनका पहला किंग किंग रोमुलस मिला। ऐसा कहा जाता है कि किंग रोमुलस रोम के लिए नया कैलेंडर चाहते थे, सो एक नया कैलेंडर बनाया गया और इस नए कैलेंडर का नाम किंग रोमुलस के नाम पर रोमुलस कैलेंडर रखा गया। ऐसा कहा जाता है कि इस कैलेंडर का स्ट्रक्चर ग्रीक के पुराने कैलेंडर से लिया गया था। मजे की बात यह है कि इस कैलेंडर में हमारे कैलेंडर की तरह 12 महीने नहीं थे, सिर्फ 10 महीने ही थे, जिसमें मार्च पहला महीना था और दिसंबर आखिरी, और ये कैलेंडर सिर्फ 304 दिन का ही था जो कि सोलर ईयर के हिसाब से 61 दिन कम था, और ये बचे हुए दिन ठंड के थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बचे हुए दिनों को अनइम्पॉर्टेंट समझा जाता था क्योंकि ये दिन खेती के लिए अनुकूल नहीं थे। किंग रोमुलस की डेथ के बाद न्यूमा पोम्पिलियस को रोम का नया किंग चुना गया और उन्होंने कैलेंडर को मोर एक्यूरेट बनाने का डिसाइड किया, एंड ये कैलेंडर रोमन रिपब्लिक कैलेंडर के नाम से जाना गया। इस कैलेंडर में 12 न्यूनर साइकिल को कंसिडर किया गया था और इस तरह हमें साल के 12 महीने मिले। ठंड के बचे हुए दिन जो रोमुलस कैलेंडर का पार्ट नहीं थे, उन दिनों को भी इस कैलेंडर में कंसीडर किया गया और दो नए महीने जनवरी एंड फरवरी को कैलेंडर में ऐड किया गया। इस कैलेंडर में टोटल 355 दिन थे जो कि सोलर ईयर के कंपैरिजन में अभी भी 10 दिन कम थे। तो फरवरी को 28 दिन कैसे मिले? इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस समय में रोम के लोग इवन नंबर्स को अनलकी समझते थे, तो इसलिए मंथ को ऑड नंबर ऑफ डेज असाइन किए गए, मार्च को 31 दिन, अप्रैल को 29 दिन एंड सो ऑन, एंड जब तक फरवरी का नंबर आया सिर्फ 28 दिन ही बचे थे 355 दिनों में से, इसलिए अनलकीली फरवरी को 28 दिन ही मिले। ऐसा नहीं है कि उसके बाद कैलेंडर्स रिफॉर्म नहीं हुए। इस कैलेंडर के बाद आया जूलियन कैलेंडर एंड देन हमारा मॉडर्न कैलेंडर, बट फरवरी के डेज में कोई चेंज नहीं किया गया। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। प्लीज़ अपने सजेशन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं @mudgalbaba2916। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर योर टाइम। Have a good day.